और खबर अलीगढ़ से, जहां खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों के बीच पथराव की खबर है। पथराव में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सासनी गेट के सराय सुल्तानी का ये पूरा मामला, तो खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश करते हुए नजर आ रही है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव की खबर है और पथराव में कई लोग जख्मी भी हुए। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से पथराव में लोग जख्मी हुए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दो पक्षों में पथराव। हालांकि अब पुलिस मौके पर और इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी नजर आई। खाने को लेकर बताया जा रहा है कि यह विवाद हुआ, जिसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी भी की गई। सासनी गेट के सराय सुल्तानी का यह पूरा मामला और इस पूरी खबर से जुड़ी हुई ये दो तस्वीर देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की गई है। सड़कों पर किस तरह से पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे। मुझे कुछ पहले नहीं पता, पूछूंगा अपने छोटे भाई से, क्योंकि उनने हाथ ही मारना चालू कर दिया, बिल्कुल नहीं रुके वो दोनों। क्या मारा है आपके? 25 मेरे को अरे भाई आपके क्या मारा है ये बताइए। मुझे कुछ नहीं पता, जेल टू जेल मारा है। पिछले दिनों यहाँ आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ पर ऊन का मार्केट हुआ करता था। ऊन का मार्केट खत्म होकर यहाँ पर मांस की दुकानें खुल गई हैं, ढाबे खुल गए हैं, जहाँ पर खुले यहाँ मांस लटकी रहती हैं। और वहाँ पर आज कोई हिंदू पक्ष का यहाँ का व्यक्ति था, जिसके साथ यहाँ के गुंडों ने जबरदस्त रूप से मारपीट की और वो लोग घायल हैं। मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ उसमें कहा सुनी हुई है और उसमें पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि वहाँ पर शांति अभी बनी हुई है, कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। ये दो पक्षों के बीच में मामूली विवाद पर एक छोटी झड़प की घटना हुई, जिसमें कि पुलिस तत्काल मौके पर आई और आम लोगों के जो जिम्मेदार आदमी थे उन लोगों ने मामले को शांत करा दिया। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, तहरीर मिलते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। और शहर में अमन चैन बना हुआ है और जिसके भी द्वारा यदि सोशल मीडिया या अन्य साधनों के द्वारा शहर के अमन चैन को भड़काने का प्रयास किया जाएगा, उस पर हम लोग